नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। नबी के सहाबा के रास्ते पे चल के दिलों का सुकून हमने हासिल किया है। लगा है नशा जब रसूल करीम अम्मा बाद मोहतरम नाजरीन व सामईन, आज की गुफ्तगू और नशिस्त में हम अर्ज़ करेंगे कि रोज़े के मकरूहात क्या हैं। तो याद रखिए, सबसे पहले बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना या नमक वगैरह चख कर थूक फेंकना, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर दो, तमाम दिन हालत जनाबत में यानी गुसल ना करने की हालत में रहना, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर तीन, फस्त कराना, किसी मरीज़ के लिए अपना खून देना जो आजकल डॉक्टरों में राइज है, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर चार, गीबत करना यानि किसी के पीठ पीछे उसकी बुराई करना, ये बात ख़ुद भी हराम है और रोज़ा इससे भी मकरूह हो जाता है। नंबर पाँच, रोज़े में लड़ना झगड़ना गाली देना, ख्वा हैवान को या किसी इंसान को या बेजान चीज़ को गाली देना, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर छः, मंझन या टूथ पाउडर इस्तेमाल करना बशर्त के हल्क के अंदर चला जाए, अगर हल्क के अंदर चला गया तो रोज़ा इससे फासिद हो जाएगा, मकरूह हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।